PN9 News और मैं हूं आपके साथ मेघा। बरेली की प्रेम कहानी पर इस खास पेशकश में आपसे चर्चा करेंगे। बरेली की वो प्रेम कहानी जिसने एक ऐसी लड़की के दर्द का भी एहसास देश की जनता को करवाया, जिसे प्यार हो गया एक ऐसे लड़के से जो जाति में अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता है। बात करेंगे हम आपसे बरेली की उस प्रेम कहानी के बारे में जिसने एक पिता का दर्द भी देश को महसूस करवाया। समझ ही नहीं पा रहा है देश अब तक कि इस पूरे विवाद में किसे सही कहा जाए, किसे गलत कहा जाए, किसके दर्द को जायज ठहराया जाए और किसकी सोच को पिछड़ा हुआ कहा जाए। ऐसी परिस्थितियों के बीच में साक्षी और अजितेश को अब बरेली जाना है। बरेली जाकर अपनी शादी को बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। मन में कश्मकश है साक्षी मिश्रा के कि बरेली जाएगी तो क्या जवाब देगी, अपनों के बीच जाकर क्या कहेगी। परिवार साक्षी मिश्रा का उनके मुंह पर दरवाजे बंद कर चुका है, सभी रिश्ते तोड़ चुका है। ये कह दिया है भाई विक्की भड़तौल ने भी और पिता ने भी कि जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन क्या ये जिंदगी जीना इतना आसान है? क्या साक्षी मिश्रा के लिए अपनों से खफा रहकर ये जिंदगी जीना इतना आसान है? इस सवाल का जवाब है ना। हर पल हर लम्हा साक्षी मिश्रा को उन्हीं का दिल कहेगा ये बात, दुखाया है तुमने अपने पिता को, यहां तोड़ा है पिता का विश्वास। तो साक्षी मिश्रा की ख्वाहिश है कि अब सब एक हो जाए, लेकिन सबका एक होना मुमकिन नहीं है। इन सबके बीच ये मामला तो ठंडा पड़ जाएगा, ये सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो इल्जाम साक्षी मिश्रा ने अपनों पर लगाए हैं, जो इल्जाम साक्षी मिश्रा ने अपने भाई राजेश मिश्रा पर, अपने भाई विक्की भड़तौल पर लगाए हैं, शायद अभी और वक्त लगेगा उन इल्जामों के दागों को धुलने में, अभी और वक्त लगेगा टूटे हुए दिलों को जुड़ने में। साक्षी मिश्रा ने यह आरोप लगाया अपने भाई विक्की भड़तौल पर कि भाई भी है जो मुझे और मेरे पति को मार देना चाहता है, भाई ने हमेशा मुझे प्रताड़ित किया है। इन सबके बीच में साक्षी मिश्रा के भाई विक्की भड़तौल कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, साक्षी को कभी कोई काम करने से नहीं रोका। कौन सही कौन गलत, ऐसी कश्मकश के बीच कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं विक्की भड़तौल की। इन तस्वीरों ने अजितेश और विक्की की दोस्ती का एक अलग रूप दिखाया है। आज अजितेश जो विक्की भड़तौल के जीजा बन चुके हैं रिश्ते में, उनका और विक्की भड़तौल का एक अजब सा याराना ऐसी वायरल हुई तमाम तस्वीरों में नजर आया है और इस याराने से जुड़ी कुछ खास बातें देखिए जरा। साक्षी मिश्रा और अजितेश को लेकर चर्चाएं अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। साक्षी मिश्रा और अजितेश को लेकर पूरी तरह से आग ठंडी नहीं हुई है। इन्हें लेकर अब भी कई तरह के सवाल सुनने में आ रहे हैं, कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, और ऐसी तमाम खबरों के बीच में साक्षी मिश्रा और अजितेश पर इस वक्त एक बड़ा खुलासा होता जा रहा है। इस खुलासे के तार साक्षी मिश्रा के भाई विक्की भड़तौल के साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश को लेकर अभी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इन सबके बीच में साक्षी के भाई विक्की भड़तौल अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि उनकी बहन ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने फैसले खुद ले लेते हैं। विक्की भड़तौल पर हालांकि बहन साक्षी ने कई तरह के आरोप लगाए। साक्षी ने कहा था कि उनके भाई ने हमेशा उन्हें टॉर्चर किया है, उनके भाई ने हमेशा उन्हें डराने की धमकाने की कोशिश की है। और ऐसी तमाम खबरों के बीच में अब सोशल मीडिया पर अजितेश और विक्की भड़तौल की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनसे ये साफ साबित हो जाता है कि विक्की भड़तौल के काफ़ी ज़्यादा करीब अजितेश रहे हैं। विक्की भड़तौल जो साक्षी के भाई हैं, अपनी बहन से जो काफ़ी ज़्यादा खफा हैं, उनकी अजितेश के साथ दोस्ती को बयां करती हुई कई तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर एक बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि अजितेश इस परिवार के लिए अनजान नहीं थे, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें विक्की भड़तौल और अजितेश एक दूसरे के साथ साय की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी मिश्रा को लेकर भाई विक्की भड़तौल ने फेसबुक पर पोस्ट जो लिखी थी उसमें ये लिखा था कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने फैसले खुद कर लेते हैं।
विकी कहते हैं कि उन्हें बहन साक्षी और अजितेश से कोई शिकायत नहीं है और जान से मार देने वाली खबरें सिर्फ और सिर्फ अफवाह हैं। हमारे परिवार की ओर से कोई भी आदमी कहीं नहीं भेजा गया, ना ही वो खुद कहीं गए हैं, जबकि साक्षी मिश्रा ने भाई पर यह आरोप लगाया था कि भाई उन्हें और उनके पति दोनों को जान से मार देना चाहता है। एक और खास बात इसके बीच में आपको ये बता दे कि साक्षी मिश्रा के भाई विकी बर्तौल की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और इनमें से एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें विकी बर्तौल हैं ये दावा किया गया था। साथ ही ये कहा गया था कि विकी बर्तौल लड़कियों के साथ अश्लीलता कर रहे हैं। ये तमाम खबरें वायरल हुई, लेकिन जब वायरल तस्वीरों की जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि जितनी अश्लील तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो साक्षी मिश्रा के भाई विकी बर्तौल की नहीं है। विकी ने इस तरह की तमाम खबरों से हमेशा मना किया है कि अजितेश के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे। अजितेश को बेहतरीन तरीके से जानने की बात पर भी वो मना कर चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब जो खबरें वायरल हो रही हैं वो एक अलग ही तरह की कहानी को बयां कर रही हैं। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो ये कहानी साफ तौर पर दर्शाती हैं कि साक्षी मिश्रा और अजितेश के साथ साथ विकी बर्तौल जो साक्षी के भाई हैं वो भी अजितेश के काफी ज्यादा करीब थे, वो भी अजितेश के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। आज बहन ने अजितेश के साथ प्रेम विवाह कर लिया है तो भले ही किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है विकी बर्तौल को अजितेश को अपना दोस्त मानने में, लेकिन वायरल तस्वीरों की सच्चाई से भी नकार नहीं किया जा सकता।